नमस्कार, मैं अवक सोनिया, टीवी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। यह है छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर जलप्रपात कसडोल। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के विकास खंड मुख्यालय के करीब जंगल के बीचों बीच सिद्ध बाबा का झरना इन दिनों लोगों को आकर्षित कर रहा है। इसे देखने नगर सहित दूर दराज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर जंगल सहित झरना के रोमांच आनंद ले रहे हैं। अक्टूबर नवंबर तक रहता है जारी। कसडोल से करीब 10 किलोमीटर दूर सिंहखोल नामक स्थान है जिसे सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रति वर्ष बरसात के दिनों में करीब 50 फीट की ऊंचाई से झरना बनता है जो अक्टूबर नवंबर तक जारी रहता है। पहाड़ी नाले पर बनने वाला यह जलप्रपात इन दिनों अपने पूरे सबाब पर है। चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। सिद्ध बाबा वास्तव में एक छोटी सी घाटी है जहां ऊपर की चोटी से पानी का प्रवाह नीचे 40 फीट नीचे गिर जाता है जिसे सिद्ध खोल वाटरफॉल के रूप में जाना जाता है। इस झरने के नीचे हिस्से में शेर का गुफा है और चारों तरफ जंगल, पेड़, झाड़ियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो इसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाता है। इस जगह पर पर्यटकों की सुविधा के लिए वॉच टावर व छाया के लिए कुटीर बनाया गया है। झरना स्थल के घाटी को सुरक्षा की दृष्टि से जालीदार तार से घेरा गया है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर पिछले कुछ वर्ष से मेला भी लगने लगा है। क्या नाम है? मेरा नाम सोनी है जी। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम चापा से आए हैं जी। जी, क्या करने आए हैं? पिकनिक मनाने आए हैं? कैसे? पिकनिक मनाने आए हैं। तो क्या देखे यहाँ आप? हम यहाँ वाटरफॉल देखे हैं। और जंगल दिखा? यस। जंगल भी है? यस। कैसा महसूस, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है या? अच्छा। चलो ठीक। नाम कहाँ से? मैं सतीश कुमार साहू,
हम लोग अपने श्रीमती के पूरे साथियों के साथ में जांजगीर जिले से यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। सभी बच्चों के साथ भ्रमण करने के लिए यहाँ छठ पर्व का विशेष अवकाश है आज के दिन। तो ये जो स्थान जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं, ये सिद्ध खोल झरना के नाम से प्रसिद्ध है। ये बलौदाबाजार जिले के कसडोल के पास में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस झरने की ऊंचाई लगभग 50 फीट है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा झरने का, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। आसपास के और बहुत दूर दूर से भी लोग यहाँ पर पिकनिक वगैरह मनाने और अपना हॉलीडे इंजॉय करने यहाँ आते हैं बच्चों के साथ में, जो कि बच्चे यहाँ आके बहुत खूब मस्ती करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। ये जो झरना है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के। हर किसी को, हर कोई इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ शासन प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा भी यहाँ तक पहुँचने के लिए बढ़िया रास्ता बनाया जा चुका है, जिससे कि यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के हम सबको, हम खूब यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।